दोस्तों आग जो कि इंसानों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही आग हमें जीवन भी देती है और हमें मृत्यु भी देती है। और देखा जाए तो इस दुनिया में बिना आग के तो कुछ भी नहीं है। और इस आग को जलाने के लिए हम दो चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक तो है माचिस और एक है लाइटर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज हमारे पास ना हो तो आग जलाना बहुत मुश्किल सा काम दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आग जलाने वाली इन दोनों चीजों में से माचिस और लाइटर में से सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था? अगर नहीं जानते तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप उससे पहले हमें कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपके हिसाब से माचिस का आविष्कार पहले हुआ था या फिर लाइटर का आविष्कार पहले हुआ था। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों का यही मानना और कहना होगा कि लाइटर का आविष्कार बाद में हुआ होगा, पहले माचिस का आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि लाइटर तो देखने में भी अच्छा लगता है और ये मॉडर्न टेक्निक भी लगता है, लेकिन माचिस तो एक सिंपल सी चीज है। तो आप में से काफी लोग सोचते होंगे कि माचिस का आविष्कार पहले हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले लाइटर का आविष्कार हुआ था, उसके बाद माचिस का आविष्कार हुआ था। क्या आप लोगों को ये फैक्ट जानने के बाद झटका लगा? मुझे भी यही झटका लगा था जब मैंने ये फैक्ट जाना था, क्योंकि माचिस तो एक सिंपल सी चीज है और लाइटर एक मॉडर्न टेक्निक है। इसका मतलब कि माचिस का आविष्कार पहले होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले लाइटर का आविष्कार हुआ, उसके बाद माचिस का आविष्कार हुआ। हालांकि उस समय का लाइटर देखने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी लाइटर का आविष्कार पहले हुआ था और माचिस का बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।